पॉइंट से पहले आप देख सकते हैं कि जैसे पीछे इतनी गहरी खाई है, अभी तो खैर पॉइंट आगे आना, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ही खतरनाक दृश्य है। देखिए आप रोड के साथ जो है मंजर जो है ऐसी है, एक पाँव भी अगर आप खिसका आपका तो आप सीधा नीचे सतलुज में, सीधा नीचे सतलुज में पहुंच जाएंगे। बहुत हाइट यहाँ पे, हल्के दिल वाले हैं ना है। सुसाइडल पॉइंट की इतनी दहशत है कि आप देख सकते हैं मेरे जो मित्र हैं मेरे से आगे चल रहे हैं, एक दो तीन, तीनों जो हैं सड़क के राइट साइड चल रहे हैं, जबकि इनको चलना चाहिए कानूनन लेफ्ट साइड, लेकिन ये लेफ्ट साइड इससे नहीं चल रहे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड जो खाई है गहरी खाई वो इनको डरा रही है। बहुत ही तेज हवा यहाँ चली हुई है, सामने आप देख रहे हैं किन्नर कैलाश और नीचे खाई है, और खाई दिखाना बड़ी मुश्किल है इतना, और ये आगे लिखा हुआ है तीखा मोड़ है हॉर्न बजाएं, और ये नीचे जो है ये शुरू है बड़ा ही, हवा इतनी तेज है यहाँ पे, ये सारा सुसाइड पॉइंट इस एरिया को बोलते हैं, बहुत ही डेंजरस। खाई है सुसाइडल पॉइंट की, और मेरे साथ चल रहे हैं विनोद राणा, देखिए बिल्कुल ये रोड के लेफ्ट साइड नहीं चल रहे, राइट साइड चल रहे हैं ताकि गिर ना जाए, इतना डरते हैं। आप क्यों राइट साइड चल रहे हैं मिस्टर राणा जी? आप डरते हैं राणा जी? तो आइए राइट साइड आइए राणा जी, लेफ्ट साइड आइए। सारे के सारे यहाँ पे देखिए, आप तीन बंदे हैं सब लेफ्ट साइड चले हुए, अकेला मैं हूँ जो राइट साइड जा रहा हूँ। ये नवीन पठानी दिख रहे हैं आप सामने, ये सुसाइड पॉइंट पर सोए हुए हैं और लग रहा है कि आज कुछ ना कुछ कर लेंगे ये, लेकिन इनको मना करो, उन्हें मत करो, ये खतरों से खेलना छोड़ दो, ये एक खतरों के खिलाड़ी है, ये इनका शौक है खतरों से खेलना, लेकिन मैंने कई बार बोला कि नहीं यार छोड़ो, ये कुछ हो जाए तो फिर मत बोलना कुछ हो गया, और अभी भी ये सुसाइड पॉइंट से उठकर की ओर जा रहे हैं और डर के आगे जीते हैं, डर के आगे जीते हैं। आप भी आइए और ये सुसाइड पॉइंट देखिए, जैसे तेज हवा यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ आइए बड़ा मजा है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है ये सुसाइड पॉइंट से पहला जो मोड़ है उसका दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, देखिए कदम बढ़ रहे हैं किन्नौर के सुसाइडल पॉइंट पे, जो कि कल्पा गांव है उसके आगे एक शोगी करके विलेज है, वहां पे सुसाइडल पॉइंट है, आइए आपको दिखाते हैं। पॉइंट के मोड़ पे मैं पहुंच चुका हूं, बड़ा ही खतरनाक दृश्य है, मजाक नहीं है, छोटे हृदय वाले तो यहां कभी ना आए। तो आप देख रहे हैं इस वक्त मैं सुसाइडल, तो आप देख रहे हैं मैं सुसाइड पॉइंट पे बैठा हूं और मेरे पीछे जो एकदम गहरी खाई है, सामने किन्नर कैलाश है, आपको दिखाऊंगा सामने पहाड़ी पे किन्नर कैलाश है, किन्नर कैलाश जाने का ट्रैक है 3 दिन का, अगर आपसे ट्रैक नहीं होता है तो दूसरा रास्ता यहाँ से जाने का कि आप यहाँ से छलांग मारिए सीधा यहाँ से कैलाश पॉइंट कल्पा में, आप देख रहे हैं सुसाइड पॉइंट है, यहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं, पीछे गहरी खाई है और ये पत्थरों पे देखिए किस तरह से मार्क लगा के रखा है, लोगों ने यहाँ आते हैं और ये पॉइंट है, वो आप देखिए नीचे देख रहे हैं आप, वो सतलु नदी बह रही है बिल्कुल नीचे, पॉइंट है सीधा नीचे खाई है, इस पॉइंट को बोला जाता है सुसाइड पॉइंट, लगभग 2-2.5 किलोमीटर लंबी खाई है यहाँ पे, यही रोड सामने चलाता है, सामने आप देख रहे हैं हिमालय, लेकिन एक बात अच्छा रोड है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आइए यहाँ एंजॉय कीजिए, अगर आपसे ट्रैकिंग नहीं होती तो एक रास्ता उसको हो रहा है कि यहाँ आइए हम छलांग मारिए सीधा कैलाश पर जाएंगे, जय शिवाय, बिल्कुल सही कहा, इस वक्त हम लोग बैठे हैं कि दोस्तों कह दे को ये छोड़ने की है, तो ये
लेकिन आज तक क्या किसी सुसाइड नहीं किया है। बिल्कुल सही कहा राणा जी आपने, यहाँ पे किसी तरह सुसाइड नहीं हुआ, हमने काफी तफ्तीश की यहाँ पे, आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितने का